Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our comedy club. Couple of announcements before we start the show. Kindly put your phones on silent or airplane mode. Videography and flash photography of any kind is strictly prohibited. Please do not take off your mask at any point in the show. We'll be starting in 2 minutes. तो यार देखो मतलब जानवरों से एक्चुअली मेरा एटीट्यूड जानवरों की तरफ बहुत अलग था पहले मुझे लगता था जानवरों के बाकी हमें क्या है उनसे इंसान मेन होते हैं टीम ह्यूमन बट 5 साल पहले जब मुंबई आया था ना तो मैं अकेला रहता था तो मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैंने सोचा एक पेट रख लेते हैं अच्छा है, फोटो खींच के इंस्टा पर डालेंगे लाइक्स आएंगे और लाइक्स नहीं आए तो फेंक के दूसरा लेंगे बच्चे तो अब टॉप टू कंटेंडर्स पेट के लिए डॉग और कैट ही हैं बाकी तो रेस हार गए हैं बुरी तरह मैं दोस्त कह रहा कुत्ता ले ले क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है बताया कैसे हमें कुत्ता इतना भौंकर है आज यार अर्थक्वेक आ रहा अर्थक्वेक भूख लगी है इसको खाना खा तुम मरोगे सारे तू खाना खाए यार तू और बेचारा कुत्ता वफादार है हमारे साथ ही रहेगा हमारे साथ ही दबके मर जाएगा उसको एक में और मरते टाइम ब्लेम किसे करेगा अपनी डेथ के लिए हमें मैं 2 साल से भौंक रहा था कि निकल लो तुम खाना ठूसते रहे मेरे मुंह में जो मैं मोटा हो गया मैं नहीं भाग पाया तो मैंने कहा अर्थक वाला रीजन तो ठीक नहीं है भाई कोई और रीजन करे कुत्ते प्यार बहुत करते हैं सही बात है पर बदले में मांगते ही बहुत कुछ है वो उनकी मेंटेनेंस है कुत्तों की उनको नहलाना पड़ता है नहला मैं खुद ही नहाता मैं नहाता इस शो के लिए नहा के आता हूँ बस मैं और वैसे भी नहाना नहीं लड़कियों ने फिरा रखा है बहुत ज्यादा लड़कियां खुद तो रोज नहाती हैं इनको चाहिए बाकी भी रोज नहाए उनको जहाँ पड़ी रहती है मैंने देखा है मैं कॉलेज जाता था लड़कियां बोलती थी तू नहा के नहीं आया मैं कहा मत चाटना मुझे आज तुम्हें क्या तुम्हें कौन सा मेरी नंगी पीठ पे समोसा रख के खाना बिल्लियों को नहलाना नहीं पड़ता बिल्लियां अपने आप खुद साफ कर लेती हैं चाट के वो जीप पे साबुन लेके घूम रही और वो हर जगह जीप से पहुंच जाती हैं पूरी बॉडी में हर जगह यहाँ वहां नीचे तक पूरा सारा वो और बाबा रामदेव दो ही हैं जो कर पाते हैं वो हम ही हैं जो पीठ पे ऐसे साबुन लगाते हैं बाबा नीचे जाते हैं पीठ के सामने बिल्कुल पर मैं बोल रहा था कि कुत्ते इंटेलिजेंट हैं जैसे कुत्तों को पता है कि हम कुत्ते नहीं हैं इसलिए कुत्ता हमारे सामने अलग बिहेव करते हैं और कुत्ते आपस में अलग बिहेव करते हैं हमारे सामने लगे रहते हैं है, है, है। आपस में नहीं करते ये सब वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं क्या यार मुंह दुख गया भैंसो क्यूट बन बन के यार बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे मैं ही होऊंगा इंसान दोस्ती करते नहीं इससे करेंगे भी क्यों जिसकी अपने बाप से नहीं बनी आगे आगे भैंसो बिल्ली को लगता है मैं बिल्ली ही हूं तेरी बेवकूफ है वो That's what the difference is. Like a dog is like a relationship. तुम्हें उससे बहुत कुछ मिलेगा पर तुम्हें बदले में बहुत कुछ देना पड़ेगा उससे A cat is like a roommate. वो पड़ा रहेगा तुम पड़े रहो तुम 6 दिन के बाहर जाओगे कुत्ता तुम्हें मिस करेगा बिल्ली कहेगी चलो इसके बेड पे सोते हैं अपना साफ रहेगा 6 दिन तो मैंने कैट ही ली अब उसमें भी चॉइस थी क्या लेना है कैट में भी अडॉप्ट करना तुम क्या करना है बिल्ला या बिल्ली तो मैं सोचा यार बिल्ला ले लेते हैं बिल्ली भैंसो नहाने को ना बोलते पता लगा पंजे मार रही है मैंने नहाया नहीं अक्रॉस स्पीशीज इनका बिहेवियर सेम है तो जब शुरू में मैं बिल्ला अडॉप्ट किया ना तो उन्होंने तो मैं बहुत टेंशन में था मैं कहा ये बिल्ला घर में ही रहेगा तो रास्ता काटता ही रहेगा अपने घर में कितना बच लूंगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ रास्ता काटा स्लिप होके डेथ तो
तो अब जैसे वो रस्ता काटता है मैं छींक देता हूँ, तू भी ले अब शकुन में। हमने ही बनाया सारे, और दोबारा रास्ता काटा ना चप्पल भी उल्टी कर दूंगा भाई। क्या बहुत है अपने पास, टीम ह्यूमन बहुत स्ट्रांग है। तो शुरू में जब मैंने कैट अडॉप्ट की बिल्ला, तो उन्होंने मुझे साथ में कैट बिहेवियर एक्सपर्ट दिया कि ये तो बताता रहेगा बिल्लो क्या करना होता है क्या क्या नहीं करना होता है, एफएक्यूज लाइक सब। तो फर्स्ट डे उस बंदे ने मुझे फोन किया, उसने कहा अभिषेक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने कैट अडॉप्ट की, देखो आजकल सोसाइटी में बहुत जरूरत है, लोग बिल्कुल हेल्प कर, मैं आगे चला आगे चला। हाँ पता है काम की बात भाई जी, कह रहे हैं फर्स्ट टिप ये कि जब लोग बिल्ला लेते हैं लोग बिल्ले को ज्यादा ही प्यार से ट्रीट करते हैं, कुछ क्यों कहीं गिर तो नहीं क्या, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या, आराम से रखो। अरे इतना कुछ नहीं है ठीक है, वो जंगली जानवर हैं, उनको जंगल में रहने की, शिकार करने की, पेड़ों से गिरने की, ऐसे रफ ट्रीटमेंट की बहुत हैबिट है, तो आप भी ट्रीटमेंट थोड़ी रफ ही रखना। तो तीन बिल्ले तो वैसे मर गए, मैं कहा है कि जंगली जानवर चोसले हम तो बर्दाश्त हुआ नहीं, मैं कहा हो गया बस ये शेख रिश्तेदार है बेंच। तो जो अभी वाला बिल्ला है जिंदा, यही नाम भी है उसका। शुरू के 6 महीने बहुत मजे आए, बहुत फील, क्योंकि यार बिल्ले एक तो लाइक्स ही लाइक्स इंस्टा पे, क्या यार क्यूट बहुत है ना, इंसान से ज्यादा क्यूट है ऑब्वियसली, मुझे लगता है सारे जानवर इंसान से ज्यादा क्यूट है, इंसान रह गए तो हम बस दिमाग ही मिला, शक्ल सूरत बाकी ले गए। तभी तो सिर्फ हम शीशा देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट लुक्स को लेके अपना, ऊपर से सेम दिखते ना सारे, इनको शीशे की जरूरत नहीं, बिल्ला दूसरा बिल्ला देखता है कहते हैं इसके बाल ठीक लग रहे हैं मेरे भी ठीक लग रहे होंगे। 6 महीने बिल्ले ने भाई जो छिपकलियां मारी, कॉकरोच भाई खत्म, में ऑल आउट का खर्चा ही खत्म, सब मार रहा है छिपकली कॉकरोच कीड़े, मैं कही छिपकली बहुत तंग करी, मर्डर मैं करे शर्मा रहा था, मैं तो अपना खुद का मर्डर है घर में, ऐसा लगता नेशनल ज्योग्राफिक में हूं मैं, मेरे रूम में एक एपिसोड निकालो मैं। 6 महीने बाद वो कैट बिहेवियर एक्सपर्ट फिर आया, कह रहा अभिषेक 6 महीने हो गए तो टाइम आ गया बिल्ले कटवा दो। मैं क्या कटवा दूं, कह रहा कटवाने पड़ते हैं। मैं क्या कटवाने पड़ते हैं, कह रहा मैं कहा नहीं 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 यार ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं यार, कह रहे बहुत जरूरी है अभिषेक ऐसे मत करो आप, पढ़ के आ जाके गवार। तुम्हारा पढ़ा तो यार उनकी ना प्यूबर्टी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले कटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनकी एक बार प्यूबर्टी आ गई ना तो उनको पता लग जाएगा सेक्स क्या होता है, और अगर एक बार पता लग गया सेक्स क्या होता है फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। वही सेम हमारे वाला सीन है, हमारा भी पोस्ट प्यूबर्टी बर्बाद हुए, पोस्ट प्यूबर्टी लोग लगे रहते हैं सेक्स के पीछे पागल है लोग, सेक्स मिल गया तुझे, सेक्स मिला तुझे, मिलता सेक्स मिल गया सेक्स, मिल गया क्या होता है, कहां खो रहे हैं सेक्स लोग, सेक्स को इतनी बड़ी चीज समझते हैं, सेक्स के बारे में ब्रैग करते हैं कि भाई मैंने उस लड़की के साथ सेक्स कर लिया, देख रहा तू, दे ताली भाई, देख रहा भाई तू। मैं कहा उसको भी करना था ना, तुझे उसको भी करना है तो बड़ी बात क्या है इसमें, फिर सब कुछ ब्रैग कर कि भाई मैंने पैसे दिए दुकान वाले ने दाल दे दी, देख रहा भाई तू, देख रहा तू भाई, जो बात डिसाइड हुई थी वही हो गई। इनको यही नहीं लगता कि लड़की ने भी सेक्स कर लिया, इनको लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया, कि इनके पास 5-6 ही सेक्स थे वो सारे हमने रख लिए, अब इसको सेक्स ही नहीं मिलेगा, ढूंढती रहे मैं अपने, अभी आएगी ब्रेकअप के 2 साल बाद वापस, सेक्स वापस कर यार मेरे सारे, एक तो दे यार। लोगों ने रिसर्च कर रखी है सेक्स में, रिसर्च, मेरे दोस्त मुझे एक दिन आगे कह रहा है अभिषेक सुन यार, ये लेफ्ट और राइट देखने के बाद आज तक किसी ने अच्छी बात नहीं, कोई नहीं ऐसा करता कि गरीबों की हेल्प करनी है क्या, लोग घटिया बात ही बोलते हैं, बात बोल, कह रहे सेक्स में लास्ट लॉन्ग कैसे करना है बताओ, मैं कहा मुझे जरूरत नहीं,
पर बता दे। सुन तो लेते हैं, सुनने में क्या है, यू शुड बी ओपन टू चेंज। कह रहे मान ले तो सेक्स के बीच में, मैं कहा मान लिया, अबे ये मानता रहता हूं मैं। क्या जब तुझे लग रहा है ना कि होने ही वाला है, उस टाइम पे तू ये सोच कि 671 × 23 कितना होता है। मैं क्या है? अरे एवोल्यूशन से ह्यूमन स्पेशली मेन हम ऐसे चुके हैं कि हम पहले आंसर निकाल के ही रहेंगे। हमारा साधन पहले आंसर निकालने में चल जाएगा, एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू विल लास्ट लॉन्गर। मैं कहा मगर 671 × 23 का जो आंसर है वो तुम्हें याद हो जाएगा। तो हर बार कैसे काम करेगा भाई? कह रहा है हर बार क्वेश्चन मुश्किल करता रहे ना, हर बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करता रहे। मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा मैं? मैं पता लगा 6 महीने बेड में कैलकुलस कर रहा हूँ मैं। अभिषेक क्या ढूंढ रहे? कॉन्डम। मैं कहा नहीं, ग्राफ पेपर चाहिए था एक ना। और उस बंदे ने मेन चीज बताई नहीं कि कैलकुलेशन मन में करनी है, किसी की बॉडी पे नहीं। मैं मार्कर लेके सेक्स करने जा रहा हूँ, टाइम आया ढक्कन खोला। मैं शुरू मैं कमर यूज कर लूँ रफक के लिए? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, थ्रीसम लगेगा इसमें। मैं इस बार 7 फुट कमर दिलाओ कोई यार, ये 5-5 फुट की लड़कियों पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। नहीं यार देखो ये सब बकवास है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत पीछे रह गया था, मैं पीछे रह गया सेक्स में यार, सच में मैं बहुत लेट हो गया था, मैं ऑलमोस्ट मेनोपॉज आने वाला था। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लाइक छोटे होते ना, मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत कंट्रोल, लाइक 7th में आके मॉम ने बोल दिया 7th में, लड़कियों में चक्कर तो नहीं तुम्हारे, अफेयर गर्लफ्रेंड इन चक्कर में तो नहीं पड़े? मैं कहा नहीं, पर कोशिश जारी है, मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, और पढ़ाई की तरह यहाँ भी रिजल्ट नहीं आते। कह रही उम्र नहीं सब करने की, ठीक है हम बताएंगे कब करना है। मैं कहा बता देना पक्का, ठीक है। बहुत जोर से वेट कर रहा हूँ। कह रहे हैं बता देना, हम तो लड़कियों से बात नहीं करनी, हो किसी लड़की का फोन भी नहीं आना चाहिए घर पे। तो मैंने स्कूल में आके फरमान जारी कर दिया, मैं कोई लड़की घर पे फोन नहीं करेगी। लड़कियां कह रही ओ शिट, फायदा क्या जीने का फिर। तो एक दिन दोपहर को मैं अपने घर पे अपनी छोटी बहन के साथ घर घर खेल रहा था। मैं पत्नी बना था, क्योंकि यार मुझे सिंदूर लगाना पसंद था, मुझे पसंद था सिंदूर लगाना, मैं सिंदूर लगाता था, अपने पति को मारता था, मैं कहा विधवा हो गई, बहुत मजा आता था। तो मैं अपने पति के पैर दबा रहा था, तब राइट्स पता नहीं थे मुझे, अभी लास्ट वीक खेला तब नहीं दबाए। पैर दबा रहा हूँ, फोन आया लैंडलाइन पे, हेलो तेरा अभिषेक पारुल बोल रहा हूँ। मगर दूसरे जेंडर का फोन? मम्मी आसपास घूम रही थी। अब ऐसी बातें बोलने के पता लग जाए लड़की से बात हो रही है कि मैं जनरल न्यूट्रल फिजिक्स यूज कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ होता ही है, अब तो यार लाइफ है, क्या कर सकते हैं। नहीं आई थिंक नटराज का शॉपनर बेस्ट है। मेरी मॉम दूसरे रूम में गई और लैंडलाइन का दूसरा फोन उठा लिया। और आपको पता चल जाता है जब कोई दूसरा फोन उठाए तो, क्योंकि एक्स्ट्रा सांस आ रही है ना फोन में। मैं तो दोनों बात करने बीच में कौन कर रहे हैं, तीनों फोन पे हम, सास बहु दामाद। और ऐसी बात बोलने से कि फोन तुरंत कट हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई केम अप विद। मैं कहा ओ चल बाय। शिव प्लेट को क्या हुआ, तेरी मम्मी आ गई क्या? अब गाल रेडी करते हैं, अब तो मार पड़नी है, मेंटल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ये वक्त भी बीत जाएगा। मुझे मम्मी की उस रूम से मेरे रूम में चलने की पायल के बाद आने लग गई। बहनचो भाग के मारने आ रही हैं। मैं पतिदेव बचाए आप क्या? तलाक हो गया हमारा, तलाक हो गया।
बहुत बुरा दिन था, मम्मी के माल पति का धोखा एक साथ मिला। पॉइंट ये था कि इसलिए बिल्ले के 6 महीने से पहले कटवाने होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ना कटवाओ बिल्ले के 6 महीने से पहले, तो होता क्या है कि बिल्ले को थरक चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी चढ़ जाती है। हमें पास टिंडर बम्बल ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्ले बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो कमरे में बैठ के थरक में फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। और हमें कुछ पता नहीं, हमें कल खाना खा ले, खाना नहीं चाहिए मुझे खाना, विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो मैं थरक चढ़ी कोई तरबूज ला के रख, अब थरक चढ़ी थी ये तब तुम लोग यो घटिया बातें सोचने वाले, तरबूज खाना था आराम से, घटिया लोग आते हैं शोर में आजकल। होता पता है क्या है, जब बिल्लों की थरक बहुत बढ़ जाती है ना, एंड दे कांट लाइक कंट्रोल देमसेल्फ, देन व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट पीइंग एट डिफरेंट स्पॉट्स इन योर रूम टू अट्रैक्ट द फीमेल कैट्स इन द एरिया बाय द यूरिन स्मेल। इतना सिंपल है पटाना उनका। बिल्ले बस टांग उठाते हैं और बिल्ली कहती है जो मूत्रा है मेरा पति। कौन है जो हमारी गली में हल्का होने आ गया। सही है ना सिस्टम। यार काश, यार काश हमारा ऐसा होता, मैं तो बोतल में लेके घूमता था। कोई लड़की चाट खरी, यहाँ 2 बूंद गिरा दी, भैया चटनी देना, चटनी चटनी गई बाहर में, खुशबू किसकी आ रही है यहाँ पे। ओ हाय स्टॉप इट। मिल जाता फैक्स। नहीं, बहुत जरूरी होती न्यूट्रिंग, आई एम श्योर आपको पता होगा, पर जिनको नहीं पता बिल मतलब कटवाने ही चाहिए, तो मैंने डॉक्टर पे ले आके कटवा दिए और एनेस्थीसिया देके कटवाया ऑब्वियसली। हाँ ये नहीं क्यों, उधर देखिए जरा खर्च। सॉरी यार महंगा बहुत था ना, बुरा तो नहीं लगा। आई नो कटवा दिया। अब यार बिल्ला बेचारा नींद में था, ऑपरेशन हो रहा है उसका, नींद में कट रहे हैं यार किसी के। सोचो सो के उठो, तुम्हारे हैं ही नहीं वो भी जो घर में रहता तुम्हारे, उसने कटवाए। लाइक नेक्स्ट लेवल धोखा है ना। मैं ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है, मैं कह रहा यार, डॉक्टर कह रहा है मत देखो आप ये सब, मत देखो और वीडियो मत बनाओ। वो इंस्टा पे गए तक। कट गए बिल्ले के, ठीक है। मैं घर ले आया, सो रहा था तो मैं कहा यार पापा बताए थे, मैं कहा पापा सुनो वो बिल्ले कटवा दिए। कह रहे ये कौन से कामों में लगे हुए तुम। मैं कहा पापा जरूरी होता है, ठीक है आपको क्या पता। तो उसके बाद मैंने कैट वेयर एक्सपर्ट को फोन कर बताया, मैं कहा अच्छा वो हो गया ऑपरेशन। कह रहे वेरी गुड अभिषेक शाबाश। मैं कहा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा पर ठीक है। नहीं नहीं जरूरी था बहुत, क्योंकि वो जंगली जानवर है ना, उसकी मम्मी नहीं रोक रही उसको, ठीक है। वो नहीं रुकने वाला कभी, उसको जब चढ़ती ना ठरक वो हो जाता आवारा, घर से बाहर भागता मारता मर जाता ट्रैफिक ये वो सब। तो अब बढ़िया है वो, हमने बहुत अच्छा किया है। मैं कहा चलो ठीक है, और बहुत बढ़िया हो गया बिल्ला सच में, वो बहुत चिल है वो बिल्ला अब, मतलब सेक्स जैसी फालतू चीज़ों में उसका दिमाग लगता ही नहीं। खाता है पीता है खेलता है चिल मारता है सोता है। मैं कहा बहुत सही बहन, मुझे बताता मैं कटवा लेता हूँ। मेरे लिए लेट हो गया अब बहुत। और अब वो तो भाई क्या टाइम ही टाइम है ना उसके पास, तो अब तो आर्टिस्ट हो गया लड़का, गाने लिखता है पोएट्री लिखता है। उसने लिखा है गाना, सही बता रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद एक ही चीज़ लिखने वाली जो उसके साथ क्या हुआ। तो उसने गाना लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो सुने और उसी के मुँह से सुने तो बेटर है। तो ले आओ, लेके आओ आ जाओ बस आराम से ले आओ, वही सुनाएगा उसने जो लिखा है गाना। ऑफ कोर्स असली ला रहा टॉर्चर होता है वो। बाय द वे प्रूफ कटा हुआ है देख लो। ओके तो आप देखो यार,
भाई देखिए कभी तुम्हें मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों को पता नहीं है बिल्लों को कैसे हैंडल करना, कभी सड़क पे तुम्हें बिल्ला वाला दिखे ना तो बहुत सारे देखते हैं, सो देयर इज अ वे टू पिक देम अप, लाइक बहुत तो ढंग से उठाते नहीं बिल्लों को, अगर मान लो ऐसे बैठा है, सो दिस इज हाउ यू पिक देम अप। अब जो गाना है वो यही सुनाएगा, इसके मुझसे अच्छा लगा, मैं स्टेज इसका लेना नहीं चाहता, सुन लो। Thanks for coming out. I hope you had a good time. Thanks very much. Hello. आज 2 अप्रैल 2021 है और कोरोना की सेकंड वेव चल रही है। अगर कभी लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला तो मैं चाहता हूँ तुम लोगों को पता लग जाए कि टिकट्स कहाँ पे हैं। तो तुम्हें पता है आज जब मेरे शोज होते हैं मैं उसकी टिकट्स की इन्फॉर्मेशन ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह पर डालता हूँ, और जो लोग उस पर एक्टिव नहीं है उन लोगों को पता नहीं लग पाता, तो इसलिए मैं एक ईमेल लिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें तुम्हें अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना शहर बताना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं उस शहर परफॉर्म करने आऊँ पहले उन लोगों को ईमेल चली जाएगी जो लोग उस लिस्ट में, कि मैं इस डेट को आ रहा है टिकट के लिंक के साथ, और उसके बाद मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूंगा। तो अगर लाइव देखने में तुम इंटरेस्टेड हो तो कर लो सब्सक्राइब, नहीं इंटरेस्टेड हो तो बंद करो फिर वीडियो, कुछ नहीं है काम, किसी काम के नहीं है।